साथियों नमस्कार, आइए झांसी के अंदर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री कानपुर ग्रामीण से चलकर झांसी के अंदर आए अनुरुद्ध शुक्ला जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या नीति है, कानपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आखिरकार कौन कौन से मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार विकसित अपने ग्रामीण क्षेत्र कानपुर के अंदर जिला मंत्री के पद पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो अगली आवाज होगी अनुरुद्ध शुक्ला जी। सर्वप्रथम बधाई हो, ग्रामीण क्षेत्र में आप जिला मंत्री के पद पर नियुक्त हो। आखिरकार कानपुर ग्रामीण के अंदर क्या क्या मूवमेंट आपके हुआ करते हैं, वहाँ के ग्रामीण वासियों को लेकर, वहाँ के नगर वासियों को लेकर क्या क्या आपने वहाँ के कार्य किए, विकसित किए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ आपने वहाँ पे अपने लोगों को समझाया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पिता महापुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जो अंत्योदय की साधना है, उनका जो अंत्योदय का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या अंत्योदय का, कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हम आगे की पंक्ति में लाएं, उसको समाज की मुख्य धारा के साथ में जोड़कर लाएं, यही हमारा सबसे मूल उद्देश्य है। कि जो समाज की मेन धारा से बिछड़ गया पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। रही बात कानपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की, तो निश्चित रूप से कोरोना की जो वैश्विक महामारी हुई, हमने कानपुर ग्रामीण ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वरन संपूर्ण भारतवर्ष में अपने 16 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ में सड़क पर निकलकर उनकी समस्याओं के साथ अपने आप को मिलाने का काम किया। उन्हें मास्क सैनिटाइजर वितरण का काम किया ही, हमने राशन के पैकेट वितरण करने का भी काम किया, भूखों को लगातार भोजन कराने का काम किया, मुख्य मार्गों से जो प्रवासी मजदूर निकल रहे थे उनकी लगातार चिंता की हम लोगों ने। मेन मार्गों पर जो राहत शिविर थे उन राहत शिविरों के माध्यम से यह चिंता की कि प्रवासी मजदूर को कहाँ जाना है, यदि उसे गोरखपुर जाना है तो गोरखपुर तक जाने वाली गाड़ी में बिठाने की चिंता की, हमने उसको घर तक पहुँचाने की चिंता की, और जब वो घर पर पहुँच गए तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह चिंता की कि किसी भी स्थिति में उनको आजीविका की समस्या ना आए, और जब आजीविका की समस्या का प्रश्न आया तो उन्होंने जो अपना मनरेगा का काम था तो मनरेगा के नियत दिनों की संख्या को तुरंत दोगुना किया, उसके बजट को तुरंत बढ़ाया और 1,000 रुपए लगातार 3 महीनों तक देश के उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों के खाते में डालने का काम किया। रेहड़ी वालों को समस्या ना हो, पटरी दुकानदारों को समस्या ना हो, दैनिक मजदूर जितने थे उन्हें समस्या किसी प्रकार की ना हो, तो निरंतर उनको प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया कि इस देश में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, तो उन्होंने राशन कार्ड हो ना हो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को तो नवंबर के माह तक मुफ्त राशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की संकल्पना है कि हम गरीब का साथ गरीब का विकास, यदि गरीब का साथ गरीब का विकास तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा और भारत विश्व के मानचित्र पर अग्रणी होगा। इन समूची चीजों को देखने के बाद में एक जो सबसे बड़ी चीज हमने देखी कि अमेरिका जैसा देश जिसकी जो सही होने की कोरोना मरीजों के वो थी का प्रतिशत था वो 30% था, और हमने जो रिकवरी रेट हमारा था वो 70% तक था। सरकार ने लगातार चिंता की कि एक भी कोरोना का मरीज कोरोना के कारण मरना नहीं चाहिए, एक भी कोरोना का व्यक्ति उसकी पूरी चिंता होनी चाहिए, उसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, उसे उचित उपचार मिलना चाहिए, सारा कुछ सरकार ने किया है, सारा कुछ हम लोगों ने संगठन के माध्यम से किया है।